सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्केट एनालिसिस वीडियो। हम इस वीडियो में निफ्टी का कल के लिए मार्केट एनालिसिस देखने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम वन डे के टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं ताकि हमें पता लग सके कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो देखिए, आज का जो कैंडल बना है दोस्तों, वो कल के गैप को फिल कर चुका है। ये देखिए, यहाँ पे एक गैप था बीच में, ये देखिए आप देख सकते हैं, उसको आज फिल कर दिया मार्केट और फिर से रिवर्स करके मार्केट ऊपर चला गया। तो आज जो कैंडल बना है मार्केट में, वो एक बुलिश साइन है और इसके ऊपर कभी भी क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था। आप देख सकते हैं 15,750 के ऊपर, जो कि आज इसका क्लोजिंग मिल गया है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कल, तो हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं और हम आपको कल के लिए लेवल बता देते हैं। तो देखिए, हम आ गए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और हमको यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लेना है। तो हम ट्रेंड लाइन ले लेते हैं और ये देखिए, यहाँ से ऊपर से एक ट्रेंड लाइन चल रहा है, आप देख सकते हैं। और आज इसका रेजिस्टेंस भी लिया है इस ट्रेंड लाइन का, और एक और ट्रेंड लाइन हम ले लेते हैं। और यहाँ पे देखिए, नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन चल रहा है, ये देखिए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का पैटर्न बन रहा है, और जब इसका कल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तब हम इसमें बाइंग और सेलिंग करने वाले हैं। और अगर हम निफ्टी में एक अच्छी खासी तेज़ी की बात करें, तो अगर निफ्टी 15,920 के लेवल को ब्रेक कर ऊपर सस्टेन करेगा, तब इसमें कल एक अच्छी खासी तेज़ी आएगी, जिसका पहला टारगेट होगा 16,000 का। दोस्तों, इस मार्केट एनालिसिस में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे।